झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आज सप्ताह के पहले दिन कच्चे तेल की कीमत में तेजी देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का भाव आज सुबह बता दें 102.72 डॉलर प्रति बैरल था। WTI क्रूड में भी तेजी देखी जा रही है और इसका भाव 95.75 डॉलर प्रति बैरल था। आज कच्चे तेल में तेजी के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि डॉलर में गिरावट देखी जा रही है। डॉलर इंडेक्स इस समय गिरावट के साथ 107.62 के स्तर पर है, जो पिछले सप्ताह 109 के स्तर को पार कर गया था। बता दें जब डॉलर कमजोर होता है तो कच्चे तेल में तेजी आती है, दूसरी तरफ सप्लाई साइड की समस्या बरकरार है। ऐसे में मांग में कमी के कारण ओवर सप्लाई की स्थिति नहीं है, इससे कच्चे तेल की कीमत को समर्थन मिलता है। पिछले 5 सप्ताह से कच्चे तेल के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। इसका प्रमुख कारण था कि मंदी की आहट के बीच डॉलर मजबूत हो रहा था। मंदी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर होगा और तेल की डिमांड घटेगी। दूसरी तरफ चीन में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया था, इससे भी मांग पर असर होगा। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। मांग में सुस्ती के कारण ही कच्चे तेल के भाव में कमी देखी जा रही थी। वहीं रॉयट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अगस्त महीने के लिए बता दें एशिया देशों के लिए कच्चे तेल का भाव बढ़ा दिया है। ईरान ने लाइट ग्रेड ऑयल का भाव अगस्त के लिए 8.90 डॉलर तय किया है, जो जुलाई के महीने में 6.80 डॉलर है। इस तरह कीमत में 2.80 डॉलर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं हैवी ऑयल का भाव 5.60 डॉलर तय किया गया है, जो जुलाई में 4.60 डॉलर है। वहीं पेट्रोलियम प्लानिंग एसोसिएशन सेल यानी कि PPAC की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह 14 जुलाई को इंडियन बास्केट का औसतम भाव 99.76 डॉलर प्रति बैरल रहा। 25 अप्रैल को बास्केट का औसतम भाव 99.17 डॉलर प्रति बैरल था, ये उसके बाद सबसे कम है। जुलाई के महीने में अभी तक का औसतम भाव 105.72 डॉलर प्रति बैरल है। जून महीने का औसतम भाव 116.01 डॉलर प्रति बैरल, मई महीने का 109.51 डॉलर प्रति बैरल और वहीं अप्रैल महीने का औसतम भाव 102.97 डॉलर प्रति बैरल रहा था। सप्लाई साइड की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा का मकसद था कि वह गल्फ देशों को ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन के लिए राजी कर सके। इससे सप्लाई में नरमी आने की कीमत पर असर होगा और महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि उनकी कोशिश रंग नहीं ला पाई। माना जा रहा है कि खाड़ी देश धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वहीं तात्कालिक इसमें राहत नहीं है। बाइडेन की यात्रा के बाद सऊदी ने साफ कर दिया कि वह 13 मिलियन बैरल रोजाना से ज्यादा अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा। वहीं इस बीच 3 अगस्त को ओपेक प्लस देशों की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में रूस भी शामिल होगा। बैठक में ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेकर विचार किया जाएगा। वहीं एनर्जी मार्केट की नज़र रशियन नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के दोबारा कामकाज पे वापसी पर है। वहीं अभी यहां मेंटेनेंस का काम चल रहा है। 21 जुलाई से ये सर्विस दोबारा बहाल होने की संभावना है। जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को इसी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होती है। अगर सप्लाई में किसी तरह की समस्या आती है तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगी और दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।